सारे गामा पाधा नी सा सानी धा पामा गारे सा। नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। साथियों तो साथियों, आज मैं आपको रियाज करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि यदि आप उसको फॉलो करते हो तो आपको देखिए सारे काम होंगे, सुर ज्ञान होगा, सुरों की पहचान होगी, आपकी फिंगरिंग तेज होगी और आपकी जो ताल है आपकी ताल भी पक्की होगी कि कौन सा सुर किस टाइम हमको दबाना होता है। ये सब कुछ आप इस रियाज से आप सीख जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं, जो हमारे नए श्रोता हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लीज़ साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे प्यारे साथियों, ये रियाज मैं आपको ऐसा बताऊंगा, ये रियाज मैंने भी किया है और ये बिल्कुल आसान है, आपके मोबाइल में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी रिदम ऐप आप डाउनलोड करने के बाद में इस रियाज को आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं उसको चालू करता हूं, आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने इसको यहां से इसको काट रखा, काट दिया, उसके बाद ये देखिएगा, सारे गामा पाधानी सा सानी धा पा मा गा रे सा। तो मैंने ये चालू कर लिया, अब हम इसको स्क्रीन पर चलते हैं और देखिए कितना बेहतरीन इससे रियाज होता है, आपकी आवाज भी बिल्कुल क्लियरी साफ हो जाएगी। देखिएगा सारे गा मा पा धा नी सा सानी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रियाज कीजिए, उसके बाद आप चार चार सुरों का भी रियाज कीजिए। देखिए इसमें एक अलंकार भी आ जाएगा जो बहुत ही बेहतरीन अलंकार, चार चार सुरों का। देखिए सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा रे मा गा रे सा। तो साथियों ये मैंने चीज़ आपको बता दी, आप इसका रियाज कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।